Walia, once again welcome to my YouTube channel. This is Vector and 3D for Class 12 Mathematics Final Touch. Exam से पहले बिल्कुल Vector और 3D 10 मिनट में अपन पढ़ने वाले हैं. कान, दिमाग, नाक सब खोल के बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें बस फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेंगे सारी चीजें से, ताकि आपको कल कोई चीज नई ना लगे एग्जाम में. ठीक है, तो फटाफट ये फाइनल टच है पूरी वीडियो का. उम्मीद है सबको बहुत पसंद आने वाली है. कॉपी, नोटबुक, पेन सब अपने साथ लेके बैठ जाओ. क्वेश्चन जो जो करवाए जा रहे हैं खुद से करना, क्योंकि कल पेपर आपको देना है, मुझे नहीं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ. 4 मार्क क्वेश्चन है. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर के अलोंग द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 1. कंडीशन दे रखी है, कंडीशन का यूज करना है और लैम्डा का वैल्यू बताना है. कहीं सर लैम्डा तो क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा भाई, ध्यान से देखोगे तो ये रहा लैम्डा. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 1, और लैम्डा का वैल्यू बताना है. ठीक है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन मैंने आपको शो कर रखा है. ठीक है, एक वेक्टर अपने पास ये है, दिस वेक्टर 2i + 4j - 5k कैप, और एक वेक्टर अपने पास ये है लैम्डा i कैप + 2j कैप + 3k कैप. देखो भैया, दोनों वेक्टर का सम करूंगा, दोनों वेक्टर का सम करके मैंने नया वेक्टर बना लिया, ए वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों वेक्टर का सम है. देखो क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ द टू वेक्टर्स, तो आई कैप वाले कंपोनेंट को आई कैप के साथ जोड़ दो, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप. ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है जो दोनों सम होकर आया उसका यूनिट वेक्टर, दोनों सम होकर कौन सा नया वेक्टर आया, ए वेक्टर आया, उसका क्या लेना है आपको, यूनिट वेक्टर लेना है. यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर तो अपने पास पता है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन उसका जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एज इट इज अभी छोड़ दो. ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दो एज इट इज अभी. ठीक है, अब क्या करूं, अपने पास क्या बोला है कि इन दोनों का जो इस वेक्टर के साथ जो नया वेक्टर आया है यूनिट वेक्टर ए, उसका इस वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट 1 दे रखा है. तो इस वेक्टर के साथ इस वाले प्रोडक्ट का, इस यूनिट वेक्टर का ए कैप के साथ प्रोडक्ट कर दो 1. इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे 1, और यहां से आप लैम्डा का वैल्यू सॉल्व कर लोगे. ठीक है, कंडीशन बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था भैया. एग्जाम में पता नहीं आप कर पाओ नहीं कर पाओ, बट करना कुछ नहीं था, दोनों वैक्टर को जोड़ना था, यूनिट वैक्टर लिखना था, यूनिट वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके 1 के बराबर इक्वेट करके लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना था. उम्मीद है सबको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, लैम्डा का वैल्यू सबने सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ द टू लाइंस. ठीक है, तो एक ये वेक्टर है आर वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है. तो कहेंगे सर इसमें तो लैम्डा वैम्डा आ रहे हैं, अरे डरो मत, इक्वेशन को पहले सही रीअरेंज तो करो. देखो रीअरेंज कैसे करेंगे, आई कैप वाली चीज को पूरा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप को एक तरफ और लैम्डा कॉमन करके एक वेक्टर अलग बना लो. तो पूरी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पूरी लाइन की इक्वेशन को, देखो इसमें से लैम्डा वाली चीज अलग कर लो आई कैप जे कैप के कैप के साथ और बाकी चीज अलग कर लो. तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस जे प्लस के कैप, इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ. क्लियर, कलर करते हैं आप लोगों के लिए चेंज. और अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन को अगेन मैं लैम्डा की के, अब इसको लैम्डा बोला है तो इसको बोल दो म्यू. ठीक है, तो म्यू की फॉर्म में इसको अगेन ऐसे लिख सकता हूँ. ये तो देखो एज इट इज सही तरीके से रीअरेंज कर रखी थी, एग्जामिनर शरीफ बच्चा था, उसने सोचा कि बच्चों से ज्यादा मेहनत क्यों करवानी, इसको तो सही अरेंज करके देता हूँ, तो उसने सही अरेंज करके दिया. अब देखो हमें करना क्या है, ये वाली चीज अपने पास है आई ए वन वैक्टर, ये है अपने पास बी वन वैक्टर, ये है ए टू वैक्टर, ये है बी टू वैक्टर. डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाने के लिए वैक्टर फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम पास है, एग्जाम सर पे है, फॉर्मूला याद कर लो जिस बच्चे को नहीं पता आज तक. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस क्या होगा, ए टू माइनस ए वन वैक्टर इन टू, यानी डॉट प्रोडक्ट इन टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वैक्टर्स, यानी बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू क्रॉस वैक्टर्स. ठीक है, वैक्टर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा. ये फॉर्मूले में सब वैल्यूज डालनी है, ए वन आपको पता है, बी वन पता है, ए टू पता है, बी टू पता है, सब वैल्यूज पता है, आंसर डालो, वैल्यूज डालो, आंसर पाओ. चलो तो वैल्यूज आप लोगों के लिए ऐड कर देते हैं. देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन में कर सकता हूँ, टू माइनस आई में से आई वाला सब्ट्रैक्ट करना है, जे में से जे वाला, के में से के वाला, तो टू आई कैप माइनस आई कैप मतलब आई कैप माइनस वन माइनस टू जे तो माइनस टू के मतलब माइनस थ्री के, इसी तरह माइनस टू के. अब क्या करना है, ये देखो बी वन क्रॉस बी टू अलग अलग कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा. बी वन क्रॉस बी टू कर लो, बी वन क्रॉस बी टू मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो एक बार आपको बता देते हैं, आई जे के लिखना, क्या लिखना, आई जे के लिखना, फिर क्या करना, जो ये वाली टर्म है वन माइनस वन वन, इसके आगे क्या है वन माइनस वन वन, ये क्या है टू वन टू, तो क्या करो वन माइनस वन वन टू वन टू ऐसे लिख दो. अब क्या करो, कैसे लिखोगे, देखो पहले आई वेक्टर लिखना है तो इसको एज इट इज छुपा लो,
छुपा लो हाथ से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखो माइनस वन इंटू टू कितना हो गया माइनस टू, और माइनस वन इंटू वन तो माइनस थ्री आ गया, यानी माइनस थ्री गैप। इसी तरह ये वाला प्रोडक्ट, तो इसको छुपा लो, इन दोनों को छुपा लो और एक माइनस साइन इसके आगे रख दो, ये वाली चीज प्लस होती है, ये वाली माइनस, ये अगेन प्लस होती है, ठीक है। तो देखना वन इंटू टू कितना होगा टू, और टू इंटू वन टू, तो यानी टू में से टू गया तो जीरो। देखो माइनस जीरो लिखूं या प्लस जीरो बात एक ही है। अब देखो के वाला लिख लेते हैं, के वाला छुपा लो, के वाला प्लस के साथ आएगा, वन इंटू वन वन, माइनस पहले आता है और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस टू, तो यानी थ्री के गैप। मैंने ये वेक्टर आसानी से लिख दिया, बी वन क्रॉस बी टू लिख दिया। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लो, इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट, यानी नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, जीरो का स्क्वायर जीरो नाइन, तो यानी थ्री रूट टू आ गया। बस अब वैल्यूज डाल दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, वन इंटू आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, और सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर लो और अपने पास आंसर आएगा थ्री रूट टू बाई टू, ठीक है। थ्री बाई रूट टू भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे उम्मीद है सबने फाइंड आउट कर ली होगी। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फाइनल टच है फटाफट। देखो प्लेन्स की मैं बहुत सारी क्वेश्चन आपको पहले ही करवा चुका हूँ, प्लेन्स की मैं आपको पहले ही बहुत सारी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बट एक पहले बात बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए वीडियो आई थी ये 3D वाला, आग लगा देंगे पूरा 3D, इसमें पूरा पढ़ाया गया सॉल्व क्वेश्चन के साथ। जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। एक क्वेश्चन प्लेन का फिर ले रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस दिस दिस, ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला क्वेश्चन है, अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जो इन तीनों पॉइंट से मिलकर बना हो, और डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से उस प्लेन का, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन से पहले मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाते हैं, ये चीज़ नई है, ध्यान से सीखना। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x एज इट इज लिख दो माइनस थ्री माइनस थ्री। अब क्या करो, y y लिख दो माइनस, तो आएगा ही y के साथ, माइनस एक पहले से है तो y प्लस वन हो गया। अब z के साथ एक माइनस आएगा, z माइनस टू लिख दिया, ठीक है सर, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अब क्या करो, अगली वाली लाइन में आओ, अगली वाली लाइन में आने के लिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट लो। देखो यहाँ पे एक नई चीज़ होगी, मान लो यहाँ पे खाली है, वहाँ लिख रखा है एक्स वन वाई वन जेड वन, यानी एक्स वाई जेड, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, पेयरिंग करनी और कुछ नहीं करनी। अब देखो 5 माइनस थ्री, 5 माइनस थ्री लिख दिया, 2 माइनस माइनस वन, तो यानी 2 प्लस वन लिख दिया। अब इसको क्या लिखूंगा, 4 माइनस टू, 4 माइनस टू लिख दिया, क्लियर। अब क्या करो, इन दोनों की पेयरिंग कर लो, माइनस वन माइनस फाइव, यानी या देखो अब क्या करना है, इन दोनों की नहीं, अब अपन को फर्स्ट और थर्ड की करनी है, तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर हो गया, माइनस वन प्लस वन हो गया, जीरो हो गया, और ये सिक्स माइनस टू हो गया, ठीक है। तो पूरा डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लोगे, और ये अपने पास डिटरमिनेंट आया, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा, ठीक है, सबको आता है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि उसके पास ये इक्वेशन, आप डिटरमिनेंट सॉल्व करके इक्वेशन क्या बना दोगे, ये आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। पॉइंट्स दे रखे हों तो डायरेक्ट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट बना के करते हैं, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 659 फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस निकालनी है, कुछ नहीं करना, इसका 3 इंटू सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव जो पॉइंट्स हैं, प्लस 3 इंटू नाइन माइनस नाइन, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी प्लस डी इक्वल टू जीरो, वही वाली फॉर्म है, अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर प्लस 9 का स्क्वेयर, ऐड कर देंगे 6 बाई रूट 34, 6 बाई रूट 34 इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है ये वाला प्रॉब्लम भी सबको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ अपन फाइनल टच इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। 10 मिनट भी अपन को नहीं लगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, और जो वीडियो आपको बताई थी आग लगा देंगे, ये वाली वीडियो जरूर देख के जाना 3D की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया 10 मिनट में, ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एग्जाम अच्छे से करना, गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए, JEE मेन की तैयारी कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।